एक बार फिर से आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चैप्टर से टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एसीआर में संयोजन सिरे कहलाते हैं। ऑप्शन ए सोर्स गेट तथा ड्रेन, ऑप्शन बी ट्रिगर टाइमर तथा ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी कैथोड गेट तथा एनोड और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कैथोड गेट तथा एनोड। एससीआर का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये चार लेयर और तीन जंक्शन से मिलके बना होता है और इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड और गेट। क्वेश्चन नंबर टू है हम लोग का, एससीआर का प्रयोग किया जा सकता है ऑप्शन ए एम्प्लीफिकेशन के रूप में, ऑप्शन बी रेक्टिफायर के रूप में, ऑप्शन सी एफईटी के रूप में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एससीआर का प्रयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा भी एससीआर के बहुत सारे प्रयोग होता है, जैसे कि इसका प्रयोग इन्वर्टर के रूप में किया जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, एसी और डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी एससीआर का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रतीकों में एससीआर युक्ति का प्रतीक पहचानिए। यहाँ पे चार सिंबल हैं, चार सिंबल में एससीआर का कौन सा सिंबल है ये आपको पहचानना है। ऑप्शन ए बी सी डी, इन तीनों में से एससीआर का करेक्ट सिंबल है ऑप्शन बी। एक टर्मिनल है एनोड कैथोड और गेट। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है आपका ट्रैक। ट्रैक में तीन टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2 और गेट। और ऑप्शन सी जो है उसका नाम है FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ऑप्शन डी यहाँ पे है MOSFET। ऑप्शन डी MOSFET, ऑप्शन सी FET, ऑप्शन बी SCR और ऑप्शन ए ट्रैक। इसी प्रकार से बढ़ते हम लोग आगे। क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के में किया जाता है। ऑप्शन ए ऑटो वाहन की डीपर प्रणाली में, ऑप्शन बी की गति नियंत्रण में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। डायोड का प्रयोग बहुत सारे कार्य में किया जाता है, जैसे कि ट्रैक को ट्रिगरिंग करने में भी किया जाता है, मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑटो वाहन की डीपर प्रणाली में भी किया जाता है और मोटर की गति कंट्रोल में भी डायोड का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड किस दिशा में कार्य करने वाला अर्धचालक युक्ति है। ऑप्शन ए फॉरवर्ड दिशा में, ऑप्शन बी रिवर्स दिशा में, ऑप्शन सी दोनों दिशा में या फिर डी केवल एक ही दिशा में। डायक दोनों दिशा में कार्य करने वाले एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक में टर्मिनल मार्किंग क्या है। ट्रैक के जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल का नाम क्या है। ऑप्शन ए में बोला गया है सोर्स गेट ड्रोन, ऑप्शन बी MT1 MT2 और गेट, ऑप्शन सी बेस कलेक्टर और एमिटर और ऑप्शन डी एनोड और कैथोड। जो ट्रैक होते हैं इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, तीनों टर्मिनल का नाम होता है MT1 MT2 और गेट। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOSFET की धारा चालन क्षमता होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी नगण्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। MOSFET की धारा क्षमता अधिक होता है, उस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग बात करें MOSFET का, तो MOSFET का पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
यह एक थ्री टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसमें कि एक टर्मिनल का नाम है गेट, दूसरे का नाम है सोर्स और तीसरे का नाम है ड्रेन। मॉसफेट का प्रयोग अनेकों जगहों में किया जाता है, जैसे कि इसका प्रयोग इन्वर्टर एवं यूपीएस में किया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट में भी किया जा सकता है, और लो वोल्टेज मोटर का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पावर मॉसफेट की मुख्य विशेषताएं है। ऑप्शन ए, कम डोपिंग की आवश्यकता। ऑप्शन बी, उच्च संचार गति। ऑप्शन सी, निम्न वोल्टेज पर उच्च कोटि की दक्षता। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें बी और सी दोनों है, मतलब मॉसफेट का उच्च संचार गति एक विशेषता है और निम्न वोल्टेज पर उच्च कोटि की क्षमता भी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी टी ओ का विस्तार क्या है। ऑप्शन ए, गेटेड ट्यूब्स ऑफ थायरिस्टर। ऑप्शन बी, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ऑप्शन सी, गेट ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर। और ऑप्शन डी, गेट ट्रिगरिंग ऑफ थायरिस्टर। जी टी ओ का विस्तार है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जी टी ओ का अगर हम लोग बात करें तो जी टी ओ में तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, एनोड और कैथोड। इसके अलावा जी टी ओ का प्रयोग ट्रिगरिंग सर्किट में भी किया जाता है। क्वेश्चन है, जी टी ओ का एक अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए, हाई पावर एम्पलीफायर। ऑप्शन बी, सिग्नल डायोड। ऑप्शन सी, इंडक्शन हीटिंग। और ऑप्शन डी, ओसिलेटर। जी टी ओ का प्रयोग ऐसे तो ट्रिगरिंग सर्किट में भी किया जाता, मगर ए बी सी डी में कहीं ट्रिगर किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जी टी ओ का प्रयोग हाई पावर एम्पलीफायर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जी बी टी का विस्तार है। ऑप्शन ए, इंट्रीगेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंट्रेंसिंग गैलियम बाइपोलर थायरिस्टर। ऑप्शन सी, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और ऑप्शन डी, इंट्रीगेटिंग गेन बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आईजीबीटी एक मॉसफेट तथा बाइपोलर ट्रांजिस्टर का एक हाइब्रिड नस्ल है। आईजीबीटी में तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, कलेक्टर और एमिटर। आईजीबीटी का प्रयोग एसी टू डीसी ड्राइव में भी किया जाता है, रिले वो पावर सप्लाई में किया जाता है एवं यूपीएस प्रणाली में भी आईजीबीटी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईजीबीटी का एक अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए, इन्वर्टर। ऑप्शन बी, मल्टी वाइब्रेटर। ऑप्शन सी, एम्पलीफायर। ऑप्शन डी, लाउड स्पीकर। चारों में से ए बी सी डी में आईजीबीटी का प्रयोग एम्पलीफायर में किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सिंबल दर्शाया गया है और आपको बताना ये सिंबल किसका है। ऑप्शन ए, जी टी ओ। ऑप्शन बी, पावर मॉसफेट। ऑप्शन सी, आईजीबीटी। और ऑप्शन डी, यू जे टी। इस सिंबल का करेक्ट आंसर है आई जी बी टी, मतलब सी करेक्ट है,